घटना तो सेटे बीटा थाना क्षेत्र के कुंजवा गांव में प्रेम प्रसंग में प्रेमी युवक की हत्या का मामला सामने आया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम और डीएसपी भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। मृतक लड़की की पहचान कुंजवा गांव निवासी प्रतिमा रानी और लड़के की पहचान अवनीश कुमार रोशन के रूप में हुई है। इधर गांव में प्रेमी युगल की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हत्या के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी युगल की बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों रिश्ते में चाचा और भतीजी का रिश्ता था। इसी से गुस्सा है मृतक लड़की के भाई विशाल कुमार ने घर के पास ही अपने खंडरनुमा मकान में बीते रात्रि दोनों को देखा, जिससे गुस्साए भाई ने शीशा के बोतल से पहले लड़के को गोद कर हत्या कर दिया और बहन को गला दबा कर हत्या कर दिया। हालांकि घटना के बाद आरोपी भाई ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। इधर पूरे मामले पर डीएसपी 2 पंकज मिश्रा ने क्या कुछ बताया। आज दिनांक 30/8/2024 सुबह लगभग 3 बजे यह सूचना मिली कि बीटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंजवा गांव में एक खंडहर घर में एक लड़का और एक लड़की का लाश पड़ा हुआ है। लड़के का पहचान अवनीश कुमार उर्फ रोशन, पिता हरिशंकर सिंह और लड़की का नाम प्रतिमा रानी, पिता का नाम धनंजय कुमार है। यह पता चला है कि जो दोनों मृतक जो लड़का और लड़की है दोनों के बीच में अवैध संबंध था। यह बात लड़की के भाई को पता चल गया था जिसका नाम विशाल है और विशाल के द्वारा ही जो है दोनों की हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद जो है सो घर से फिरार है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।